हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत जल्द यानी कि 27 सितंबर से ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसमें जो डिफरेंट पोस्ट है, टाइपिंग एंड नॉन टाइपिंग पोस्ट, और भी बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सारा कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी इसको लेकर थोड़े से भी सीरियस हो तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते फ्रेंड्स, फटाफट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा आपको बताया है कि बिहार एसएससी में इंटर लेवल की रिक्रूटमेंट आई है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या रखा गया है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 11,098 रखा गया है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 7,214 सीट्स है, फीमेल्स के लिए 3,884 सीट्स है। रही बात टाइपिंग एंड नॉन टाइपिंग पोस्ट की, तो चलिए सबसे पहले नॉन टाइपिंग पोस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका राजस्व अधिकारी के लिए 3,559 सीट्स, पंचायत सचिव के लिए 3,532 सीट्स, पंचायती राज विभाग एलडीसी के लिए है 504 सीट्स, फाइलेरिया निरीक्षक के लिए है 69 सीट। तो अभी मैंने आपको ये सब पोस्ट तो बता दिया, लेकिन आप इसका जो अचीवमेंट होगा, आपका एक पोस्ट आपको कैसे मिलेगा, आप उसकी बेहतर तैयारी कैसे करोगे, तो चलिए मैं इसके लिए आपको एक बेस्ट बुक सजेस्ट कर देती हूँ। ये है किरण पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट बुक बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स के लिए किताब है। नवीनतम हल प्रश्न पत्रों सहित ये प्रैक्टिस वर्क बुक है, जिसमें उत्तर व्याख्या सहित दिया गया 30 सेट्स मिल जाएंगे आपको। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय एवं इंटर स्तरीय प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा का सॉल्ट पेपर 2011 से अब तक का व्याख्यात्मक हल सहित भी दिया जाएगा। ये बुक आपको मिल जाएगा आपके नजदीकी किताब दुकान पे, या फिर ऑनलाइन परचेज करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फ्रेंड्स, रही बात टाइपिंग की पोस्ट, तो ओवरऑल टाइपिंग के लिए 3,434 सीट्स है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग किस पोस्ट के लिए क्या है, तो वो आपको नोटिफिकेशन में डिटेल वे में दिया गया है, तो उस वो मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मैं पोस्ट कर दूंगी इसका नोटिफिकेशन, आप वहाँ जा करके देख लेना। अब देख लेते हैं हम लोग कैटेगरी वाइज सीट्स क्या रखा गया है। जनरल कैंडिडेट के लिए 5,064 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,090 सीट्स, बीसी यानी बैकवर्ड कास्ट के लिए 1,249 सीट्स, ईबीसी के लिए 1,884 सीट्स, एससी के लिए 1,376 सीट्स, एसटी के लिए 76 सीट्स है। बीसीडब्ल्यू यानी कि बैकवर्ड कास्ट वीमेन के लिए 368 सीट रखा गया है। रही बात फॉर्म ऑलरेडी 27 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, ये तो मैंने आपको बता दिया, बट लास्ट डेट क्या रहेगा चलो मैं बता देती हूँ। लास्ट डेट टू अप्लाई द फॉर्म रहने वाला है 11 नवंबर 2023, बट आपको 11 नवंबर का वेट नहीं करना है। जैसे ही 27 को फॉर्म स्टार्ट हो, आप जल्द से जल्द, अगर आप इलिजिबल हो अप्लाई करना है तो कर ही लेना अप्लाई, बाद में ना सर्वर इशू हो जाएगा तो फिर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। रही बात फॉर्म की फ़ी की, जनरल बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड अदर स्टेट कैंडिडेट से यहाँ पर 540 रुपीज़ लिया जाएगा। एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, फीमेल, मतलब ये सब जो बिहार डोमिसाइल के होंगे, उनसे 135 रुपीज़ आपको यहाँ पर फॉर्म की फ़ी ली जाएगी। रही बात की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल डिमांड किया गया, मतलब कि अगर आपने 10+2 पास कर रखा है इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से, डजंट मैटर कि आपका परसेंटेज क्या है ट्वेल्थ में, आप बस पास आउट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए हम लोग एज लिमिट देख लेते कि क्या एज लिमिट है, कब से कैलकुलेट होगा। सो फ्रेंड्स, योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st of August 2023। मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 37 ईयर्स एज की रिक्वायरमेंट है। फीमेल्स के लिए मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स है। रिलैक्सेशन भी मिलता है, बीसी, ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को 3 ईयर्स का, एंड एससी एसटी को मिलेगा 5 ईयर्स का।
सो ये तो हो गया आपका एज की लिमिट। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर थ्री स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम, उसके बाद होगा मेंस एग्जाम, फिर होगा टाइपिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्री एग्जाम की पैटर्न को समझ लेते हैं कि कितना क्वेश्चन, कितने मार्क का, कितने टाइम का पेपर होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। चलिए हम लोग सब डिस्कस कर लेते हैं। प्री का जो एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, उसमें आपका 150 क्वेश्चन का पेपर होता है 600 मार्क्स के लिए। समझ गए होंगे कि एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिल रहा है। टाइम मिलेगा 2 आवर्स एंड 15 मिनट का। निगेटिव मार्किंग भी है 1:4 यानी कि 0.25 का। रही बात सब्जेक्ट वाइज, तो जीके के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, मैथ्स प्लस साइंस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, मतलब 25 क्वेश्चन मैथ के एंड 25 क्वेश्चन साइंस के। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। तो ये तो रही प्री की एग्जाम पैटर्न। तो प्री क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस का पेपर देना होता है, जिसमें पेपर वन एंड पेपर टू बोथ होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पेपर वन में क्या सिलेबस है। पेपर वन में हिंदी लैंग्वेज के 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के लिए 2 आवर्स एंड 15 मिनट का ये पेपर रहने वाला है। निगेटिव इसमें भी आपको 0.25 का रहता है। पेपर टू में आपका 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स के लिए, टाइम मिलेंगे 2 आवर्स 15 मिनट, निगेटिव 1/4 यानी 0.25 का। रही बात सब्जेक्ट वाइज, तो जीके के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, मैथ्स प्लस साइंस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के लिए। सो प्री का भी समझा दिया, मेंस का भी समझा दिया। आई होप कि एग्जाम पैटर्न तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद होगा आपका टाइपिंग, वो पोस्ट वाइज डिफर करता है। देन आपका डीवी होगा, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सैलरी क्या मिलेगी। तो बहुत सारे पोस्ट है, तो सैलरी ना पोस्ट वाइज वैरी करता है। तो आपको स्क्रीन पे सैलरी शो कर रहा होगा, तो आप वहाँ पर इसको अच्छे से देख सकते हो। और रही बात कि आपका जॉब पोस्टिंग कहाँ रहेगा, तो जैसा बिहार एसएससी की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, तो बिहार के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में आपको जॉब करना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने जो आपको डिटेल बताया है बिहार एसएससी इंटर लेवल रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप लोग उसको अच्छे से समझ पाए होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन है, आप यहाँ पर आके मुझसे पूछ सकते हो क्वेरीज। अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आईडी, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो भर भर के लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को फ्रेंड्स आप ऑल पे सेट कर लेना, ताकि सारी न्यू फ्रेश जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी फिर से किसी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।